नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। मध्य प्रदेश में सीटों के मुद्दे पर सपा कांग्रेस के बीच शुरू हुई तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने हिकारत के साथ जहां अखिलेश पर कटाक्ष किया, वहीं यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सपा अध्यक्ष को लेकर कहा कि जो अपने पिता का सम्मान न कर सका उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। इस तल्खी का असर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले यूपी में इंडिया गठबंधन पर पड़ना तय माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा को 6 सीटें देने के बारे में बातचीत इंडिया गठबंधन के मंच से शुरू हुई थी। सपा के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव और कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने वार्ता की कमान संभाली। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कमलनाथ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बीच भी बातचीत हुई। आपको बता दें कि तय हुआ था कि नवरात्र में जारी होने वाली कांग्रेस की पहली सूची में ही सपा प्रत्याशियों के भी नाम होंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अखिलेश ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए इस संबंध में बयान देने वाले यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को चिरकुट तक कह डाला। कांग्रेस की ओर से कमलनाथ और अजय राय के बयान आने के बाद अखिलेश ने फिर कहा कि कमलनाथ को टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए। वहीं सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने अजय राय को सड़क छाप गुंडा तक कह डाला। मुलायम सिंह यादव के समय से ही सपा रायबरेली और अमेठी में लोकसभा प्रत्याशी नहीं उतारती रही है, क्योंकि यहां से गांधी परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। सपा सूत्रों के मुताबिक हालिया रार के बाद रायबरेली और अमेठी में भी प्रत्याशी की तलाश शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर फीडबैक के लिए अखिलेश ने 25 अक्टूबर को अमेठी में रायबरेली के पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों की बैठक बुलाई है। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संजय गुप्ता कहते हैं कि केंद्र में ताजपोशी का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। ऐसे में अगर यूपी में ही गठबंधन खटाई में पड़ा तो अन्य राज्यों में भी इसका कोई खास महत्व नहीं रह जाएगा। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।